ये देखो ये देखो, रात में मैं खद्दे में गिर गया था 8 बजे। तो देख सकते हो परोटा और दही आ चुका है। और वो क्या भैया? सब्जी, आलू की सब्जी। सिटी से जाने का फायदा यही है, देख लो भाई, ट्रैक पर क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अब से कभी नहीं आऊँगा सिटी से भाई, ट्रैफिक देख सकते हो आप लोग की। आगे जाके ये खरीद के वेट कर रहे थे, फिर मैं भगा रहा था साइकिल, बोल रहा ब्रो ब्रो। थोड़ी देर आगे आते ही प्रमोद भैया जी मिले हैं और रोके पूछे क्या कैसे है। तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। मैं सोच रहा हूँ यार पूरा चारों धाम पूरा यात्री कर रहे हैं साइकिल से, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये तो। अभी जिस ब्रिज पे मैं चढ़ रहा हूँ जा रहा हूँ, ये राम गंगा नदी है, बहुत ही लंबा नदी है क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ और दूर दूर तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, मतलब दिख ही नहीं रहा। राम गंगा नदी पे राजा के साथ विष्णु बिहारी केदारनाथ जाते हुए, और सामने भाई लोग जा रहा है, एक बार हाय बोलो। देख सकते हो बहुत ही अच्छा लगा मिलके। और अभी ब्रिज से नीचे उतर रहे तो पैडल मारने का जरूरत ही नहीं है ना। क्या कहना चाहोगे? बढ़िया लगा यार भाई, थैंक यू। ठीक है भाई, चलो बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू। हाँ काफी ज्यादा धूप है, अभी बादल छा गया, मतलब बादल आ गया सूर्य देवता के, इसके लिए थोड़ा धूप नहीं है। अभी टाइम लगभग पता नहीं कितना हो रहा है, फिलहाल मैं आप लोग को बता दूं यहाँ से दिल्ली 160 किलोमीटर है। थोड़ा देर के लिए मैं हाईवे को बाय बाय बोलने वाला हूँ और ये सिटी के रास्ते से जाने वाला हूँ। मुरादाबाद सिटी होकर ही जाना है, काट काट होते हुए सीधा अपने को निकलना है क्योंकि ये शॉर्ट रूट पड़ेगा और अच्छा रूट है। बहुत जने लोग सजेशन किया कि इस रूट से ही जाओ, ये वाला रूट थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है, इसके लिए ये वाला रूट से जाएंगे। अभी दोपहर का 12 बज चुका है और मैं अभी लगातार चलाऊंगा साइकिल क्योंकि नॉन स्टॉप चलाना है। और कल 14 तारीख है, कल नहीं तो परसों अपने को हरिद्वार पहुंच जाना है, भले कैसे भी पहुंचूं मगर पहुंचना है। और मैं साइकिल ठीक कराया हूं तो अच्छा भाग रहा है यार, पहले मैं पैडल मार मार के परेशान हो जाता था, अभी थोड़ा पैडल मार रहा हूँ भाग रहा है राजा। चलो कुछ नहीं, ऊपर वाले का कृपा है, सब कुछ अच्छा ही होगा, जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। सिटी से जाने का फायदा यही है, देख लो भाई, ट्रैक पर क्रॉस करके जाना पड़ेगा। शॉर्ट रूट का थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, शॉर्ट का तो शॉर्ट ले लिया हूँ, सिटी से जा रहा हूँ तो ये पूरा क्रॉस करके जाना पड़ेगा भाई। हाँ इसलिए मैं कभी भी शॉर्ट प्रिफर नहीं करता हूँ क्योंकि मैप है भाई, कहीं पे भी घुसा देता है। और हाईवे इसलिए प्रिफर करता हूँ कि 10 किलो 5 किलोमीटर दूर जाओ पर अच्छा से जाओ। अभी देखो उसमें ही एनर्जी ख़त्म हो गया है रेलवे ट्रैक क्रॉस करने में। अब से कभी नहीं आऊँगा सिटी से भाई, ट्रैफिक देख सकते हो आप लोग की। ये मेरा लास्ट टाइम था सिटी से, इतना दूर एनएच पे मैं कहाँ से कहाँ भगा देता धूप में, देख सकते हो इतना ज़्यादा ट्रैफिक, बाप रे बाप, करीब आधा घंटा एक घंटा से ये पूरा ट्रैफिक है। सिटी में तो इतना ट्रैफिक ना क्या बताओ, धूप भी ज़्यादा है और प्यारे प्यारे भैया मिल जाते तो एनर्जी बूस्ट हो जाता है। क्या कहना चाहोगे भैया? ऑल द बेस्ट ब्रदर, बहुत सही कर रहे हो। मैं तो देख के शॉक हूँ काफी, इतना दूर चल के आ गए, तुम्हारा 20 डेज का जर्नी ऑलरेडी हो। हाँ हाँ हाँ, तो बेस्ट ऑफ लक और आगे रास्ता अच्छा है और गुड लक फॉर योर जर्नी। थैंक यू। और भैया भी एडवेंचर करेंगे बाइक से, प्लान चल रहा है भैया का भी, चल रहा है, हम लोग भी बहुत जल्दी करेंगे। चलो भाई, हाँ थैंक यू। क्या बताऊँ यार, ट्रैफिक तो इतना दिमाग ख़राब कर दिया ना। अच्छा, और हम लोग 20 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, 20 दिन में आज पहला दिन है जो मैं सिटी को फॉलो किया हूँ, नहीं तो मेरा अटमोस्ट पूरा हाईवे ही होता है। चलो कोई नहीं, अच्छा अगर यही मैं हाईवे पर चलाता तो कहीं से कहीं पहुँच जाता और टेंशन ही नहीं होता। इस धूप में मैं खड़ा होते हुए ट्रैफिक का वेट करते हुए सिग्नल को वेट करते हुए निकलना पड़ रहा है। कोई नहीं, जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। फिर से एक भैया मिल गए हैं, क्या कहना चाहोगे भैया? मैं पीछे काम से आ रहा था, मैं देखा मैंने पीछे लिखा है बिहार। हाँ उससे पहले मेरी नजर गई गोप्रो पे, मैंने ये वो यूट्यूबर ही है बिहार से लगता जाने के घट लग रहे हैं। हाँ दूसरा बिहारी है भाई, बिहारी में तो होते हैं।
बिहारी, प्राउड टू बी बिहारी। और आपका भी चैनल है क्या? हाँ, मेरा चैनल है, मेन ऑटोमोबाइल चैनल है मेरा, मतलब कार वार का। हाँ, कार रिव्यू, मतलब गाड़ी का शौक बचपन से, तो वही काम है बस गाड़ी। हाँ, क्या नाम है? MM UP 21 वाला। MM माना मिशन नाम है मेरा। हाँ, MM UP 21 WL वाला। लद्दाख चलो, हरिद्वार जाना, सब कावड़ लेने घूम जाते हैं बस्ती से। हाँ। बट अपने मजे के लिए लद्दाख जाना बहुत बड़ी बात है। इस धूप में कहीं पर भी मेरे को सिकंजी दिखता है ना, तो मैं छोड़ता नहीं, पी लेता हूँ। वही अभी सिकंजी पी रहा हूँ, ये मेरा सेकंड ग्लास है। मेरे हाथ में देख सकते हो मॉन्स्टर एनर्जी। इन्हें किसी भैया ने कार रोका, पूछा कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ जा रहे हो, फिर मैंने बताया, तो फिर आगे जाके ये खरीद के वेट कर रहे थे। फिर मैं भगा रहा था साइकिल, बोल रहा ब्रो ब्रो, फिर रुका, इन्होंने दिया है, देखे को थैंक यू। पाँच बजकर 29 मिनट हो चुका है और अभी तक मैं लंच नहीं किया था। भूख इतना ज़्यादा था ना, क्या बताओ। पिछले वाले एपिसोड में देखे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा खा लिया था, परोठा वरोठा मनोज भाई ने खिला दिया था, उसके बाद अभी खा रहा हूँ क्योंकि भूख लगा है। तो ये कौन सा दाल है पता नहीं, मस्त रहेगा जो भी है, मूंग दाल है ना, और यहाँ पे प्याज है और रोटी है, खाते हैं, दो प्लेट दे दीजिए और मजे करते हैं। मेरे को टाइम इसलिए ढाबा पर लग गया क्योंकि हम लोग और दाल से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, रोटी से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, तो फिर हम लोग बोले कि प्लीज़ भाई हम लोग के लिए चावल और चना दाल बना दो। तो उन्होंने बनाए हैं और पेट भर के खाया हूँ। अभी टाइम कुछ 6:20 कुछ ऐसे हो रहा है। यहाँ से हरिद्वार और भी 114 किलोमीटर है। डेट हो गया 13 अगस्त। अगर हम लोग अभी 20-25 किलोमीटर साइकिल चला लेंगे तो कल आराम से हरिद्वार पहुंचेंगे। तो यहाँ से नूरपुर से टर्न लेना पड़ेगा, तो देखते हैं नूरपुर कब आएगा, कब टर्न लेंगे। फिलहाल पेट भरा हुआ है, मौसम भी सही है, तो आराम से एंजॉय करते हुए निकलते हैं। जहाँ से खाया, जिस ढाबा पे खाया, वहाँ से नूरपुर ओनली 7 किलोमीटर था। तो मैं सोचा यूँ भगा दूंगा यार, पर अभी आधा घंटा से कंटिन्यूस चला रहा हूँ, वो भी स्पीड में, एकदम फुल स्पीड में, अभी तक नहीं आया 7 किलो। अरे यार 7 किलोमीटर बहुत दूर होता है यार 7 किलोमीटर। फाइनली नूरपुर बाजार पहुंच चुका है और यहां से ही अपन को टर्न लेना पड़ेगा हरिद्वार के लिए। लगभग यहां से 102 किलोमीटर और हरिद्वार है, और हम लोग सोचे कहीं पर भी मंदिर मिलेगा वहां पे स्टे कर लेंगे। तो वेलकम टू नूरपुर बाजार। तो अभी यहाँ से हरिद्वार और 100 किलोमीटर है। चल चल, पर बोर्ड में नहीं दिया हरिद्वार। को मैं वहाँ पे सोया हुआ था, एक नंबर जगह है, तो यही पूछा। ये एक ब्लॉक हो गया नूरपुर और जिला बिजनौर। तो यही कुछ था कल के वीडियो में। कल के वीडियो में मैं सबसे ज़्यादा चला दिया, मतलब 85 या 86 किलोमीटर चलाया, पूरा दिन चलाते गया, आप लोग देख ही लिए होंगे। आने वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे हरिद्वार, जहाँ मैं रुका हूँ यहाँ से हरिद्वार और 100 किलोमीटर है। तो हम लोग का टारगेट है कि आज 100 किलोमीटर, मतलब कल के वीडियो में 100 किलो पूरा कर देंगे। अभी 6:00 बज चुका है, 6 बजे उठे इसलिए क्योंकि 100 किलोमीटर जाना है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा थोड़ा भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से जल्दी 50K करवाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय मिथिला, जय मैथिली, लव यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो आकर सब देखिएगा, पिक्चर लॉन्च होगा। ये तो ट्रेलर था ना, पिक्चर देखने के लिए डेली सुबह 8 बजे नहीं तो शाम के 4 बजे आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी हम लोग सोचे कहीं पर भी रास्ता मिल जाए वहाँ पे अपन स्टे कर, रास्ता बोल रहा हूँ।